हेलो मेरे चांद सितारो। तो आज व्लॉग बन रहा है, इसमें मैं घर से अब दिल्ली जा रहा हूँ, क्योंकि दिल्ली जामिया में जाऊँगा डायरेक्ट। वैसे तो दिल्ली क्या है जाना, तो जामिया में जाना है क्योंकि कल से यूनिवर्सिटी खुल रही है और आप लोग जानते ही हैं, मतलब अब पता नहीं खुशी हो रही है या फिर गम हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। खुशी किस बात की, यूनिवर्सिटी खुल रही है इतने दिन बाद, फाइनली ऑफलाइन होगी, लेकिन गम इस बात का क्लासेस भी करनी पड़ेंगी, जाना पड़ रहा है। तो चलिए देखते हैं अब क्या होता है सफ़र में। जैसा मुझे शिफ्ट होना है, बहुत वक्त बाद जा रहा था, दो बैग हो गए, सामान बहुत ज़्यादा हो गया और भारी बहुत ज़्यादा हैं, थका दिया इन्होंने, तो अब उठाना पड़ रहा है, ले जाना पड़ेगा सामान, तो और कुछ सामान छोड़ के भी आया हूँ, बाद में कभी ले जाएंगे। वैसे एक बात बताता हूँ आपको, जैसे आप दोस्त वगैरह के साथ में होंगे तो सेल्फी क्या आप व्लॉग वगैरह कुछ भी बना लें, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन अकेले होते हैं ना बहुत मुश्किल हो जाता है, मतलब व्लॉग तो दूर की बात है, एक सेल्फी भी नहीं ली जाती। कभी ट्राई करना अकेले में व्लॉग बनाने का, तो आपको पता चलेगा जनता कैसे देखती है और कॉन्फिडेंस बहुत लो होता है, लेकिन मैं हूँ बेशरम आदमी, मुझे करना है तो करना है, जनता या किसी की फिर परवाह नहीं करनी। तो जो आपको करना हो आप भी हमेशा अपना करते रहिए। ट्रेन चल दी, अब शोर होगा, बाद में कंटिन्यू करते हैं। तो करना, आई नो डेट इट इज लीगल इन इंडिया, इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, लेकिन ये थोड़े पब्लिक में ही शुरू हो जाओगे। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? और यहाँ पर जनता ही जनता, जैसे देश की पूरी आबादी 140 करोड़ यहीं पर आने वाले हैं, इसी ट्रेन में चढ़ेंगे सब लोग, इतनी भीड़ है। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार। ट्रेन आ गई है और हम बैठ गए हैं इसमें, आराम से विंडो पे बैठे हैं, अब चलने का इंतजार करते हैं। बहुत ज़्यादा आ रहा है, चेहरा भी बहुत गंदा हो गया है और गर्मी हो गई, पसीना आने लग गया है, हाथ ठंडी सही है। खैर गाज़ियाबाद आ गए हैं, पहुँचने ही वाले हैं, अब आगे का सफ़र देखते हैं क्या रहता है। इस वक्त कूली बना पड़ा है मेरा, एक तो सामान बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा है, ऊपर से दो दो बैग, जिंदगी बर्बाद, ऊपर से मैं अकेला भी हूँ और इसलिए ब्लॉग में भी नुकसान है, अगर कोई साथ में होता उसे रोस्ट ही कर लेते कम से कम। बड़ा हरामी हो बेटा, अब मीम्स भी मुझे खुद पे ही लगाने पड़ेंगे, खुद को रोस्ट करना पड़ेगा, तभी व्लॉग थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा, वरना तो व्लॉग बेकार हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा। चलिए अपने आप को ही रोस्ट कर लेंगे। एक तो ये नई दिल्ली का रेलवे स्टेशन 10 ही किलोमीटर लंबा है शायद, चलते चलते ही आदमी परेशान हो जाए, सामान भी ना हो तो, इतना लंबा चलना पड़ता है। स्पीड बढ़ा के चलना पड़ रहा है, क्योंकि अगर थोड़ा लेट हो गया फिर मेट्रो में भीड़ हो जाएगी, बहुत लंबी लाइन लग जाती है, फिर टाइम लगेगा। दुनिया की भीड़ के साथ हम भी चल रहे हैं, ये लग गए हैं यहाँ पर लाइन, लाइन में लगो, ऊपर से गर्मी, धूप हो रही है बहुत तेज। पता नहीं यार कार्ड में भी पैसे पड़े होंगे नहीं मेट्रो के, पहले चेक करते हैं, कभी एंट्री हो जाए तो बढ़िया है,
अगर एंट्री नहीं हुई तो रिचार्ज करना पड़ेगा। कार्ड तो है हमारे पास, चलो ये भी अच्छा है। एक मेट्रो से तो होके आ गए, अब दूसरी का इंतज़ार कर रहे हैं। अब दूसरे में बैठेंगे, देन फाइनली जामिया पहुंच जाएंगे। रूम पे जाएंगे, अभी तो जामिया तो जाएंगे नहीं, कभी कोई इंतज़ार में बैठा हो कि जामिया में जाएंगे। ध्यान दे लो, ध्यान मांग रहे हैं आपका। बस मेट्रो में बैठे हैं और पहुंचने वाले हैं। तो ये जामिया आ गया है, देखिए। तो हम जामिया पहुंच ही गए हैं। ऊपर से कम मैंने दिखा दिया आपको, ये पूरा जामिया ही है। अगर आपने नहीं देखा कभी, ये मेन गेट गया है। तो बस अब स्टेशन आ गया है, अब उतरते हैं हम भी। ये पूरा जामिया ही चलता रहेगा यहाँ से आगे तक, स्टेशन तक। ये प्रॉक्टर ऑफिस आपका। तो पहुँच गए हम जामिया मिल्लिया इस्लामिया, और यहाँ पर अब हमारे शादाब भाई लेने आ रहे हैं। पहुँच जाएंगे अब हम, बस यहीं तक ब्लॉग था, पहुँचना था, पहुँच गए हैं। बाकी जामिया कल दिखाएंगे, ब्लॉग बनाएंगे जामिया का भी। वो भी देखिएगा कि ऑफलाइन क्लास का पहला ब्लॉग आएगा, जो ऑफलाइन क्लास का जामिया का कल पहला दिन है, जैसा आप जानते हैं, उसका ब्लॉग आ जाएगा कल। तो देख लीजिएगा, कल इंतज़ार कीजिए। चैनल सब्सक्राइब कर लिए, नए हो लाइक कमेंट वगैरह बोलन जा रहा है, जल्दी जो करना है कर दो। थैंक यू।